हे गाइस वेलकम। तो आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फंक्शन रिटर्निंग टू वैल्यूज। मेरा कहने का मतलब क्या, फॉर एग्जांपल एक फंक्शन डिफाइन करता हूँ मैं फंक नाम का, और वो फंक्शन क्या लेगा, दो नंबर लेगा। फॉर एग्जांपल दो इंटीजर टाइप नंबर लेगा, इंट वन इंट टू, ओके। और मैं क्या करूँगा, इन दोनों नंबर का सम करूँगा सबसे पहले। तो ऐड नाम का एक वेरिएबल बनाता हूँ मैं, जिसमें क्या करता हूँ इंट वन प्लस इंट टू। उसके बाद मैं एक मल्टीप्लाई नाम का वेरिएबल बनाता हूँ, इसमें क्या करता हूँ मैं इंट वन मल्टीप्लाई इंट टू। अब देखिए मैं क्या करता हूँ, रिटर्न करता हूँ ऐड कोमा मल्टीप्लाई, और मैं क्या करता हूँ इस फंक्शन को रन करता हूँ। और इस फंक्शन में पास करता हूँ मैं दो नंबर, फॉर एग्जांपल 2, 3, और मैं इसको रन करता हूँ। अब ये देखिए मेरे पास टूपल रिटर्न कर रहा है फंक्शन, और यही मैं आपको समझाना चाहता था 5, 6 कि जब भी फंक्शन एक साथ दो वैल्यू रिटर्न करोगे, आप कभी भी ऐसी वैल्यू रिटर्न करोगे, वो दो अलग अलग वैल्यू नहीं देगा आपको, वो आपको एक ही वैल्यू देगा। बट आप एक काम कर सकते हैं, आप क्या कर सकते हैं, जैसे अपने फंक्शन को कॉल किया फंक, जिसमें कि आपने कुछ भी आर्गुमेंट थे वो आपने पास करवाए, उसको आप दो अलग अलग वेरिएबल में स्टोर कर सकते हो। फॉर एग्जांपल मैं अलग अलग वेरिएबल बनाता हूँ ऐड कोमा मल्टीप्लाई, ओके। तो इससे क्या होगा, ऐड नाम के वेरिएबल में चला जाएगा टूपल का फर्स्ट एलिमेंट, और मल्टीप्लाई नाम के वेरिएबल में चला जाएगा टूपल का सेकेंड एलिमेंट। तो मैं आपको यही समझाना चाहता था कि जब भी आप फंक्शन से दो वैल्यू रिटर्न करवाओगे, वो अलग अलग दो वैल्यू नहीं, वो एक ही टूपल रिटर्न करके देगा आपको। तो मैं करा सकता हूँ प्रिंट ऐड, और प्रिंट मैं करा सकता हूँ मल्टीप्लाई। ये देखिए 5, 6 5 और 6। आई होप आपको समझ आ चुका होगा। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर पसंद आए तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, और इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।